क्लास नाइन्थ इंग्लिश मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर और यह जो सैंपल पेपर है हमने आपके लिए सैंपल पेपर क्रिएट किए गए हैं इनफैक्ट आपको भी स्कूल में इसी तरीके के पेपर्स आएंगे सो नाउ आईम गोइंग टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू रिलीज टेन सैंपल पेपर नॉट वन और टू छोटी बात तो अपन करते ही नहीं है सो वी आर गोइंग टू रिलीज टेन सैम्पल पेपर्स विच मीन्स दैट इफ यू काउंट द पैसेजेस और द डायरी एंट्री और द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक्सेट्रा आपके पास कम से कम ट्वेंटी ईच के एग्जाम्पल्स आने वाले हैं विच बेसिकली मीन्स डैट यू हैव गॉट अ लॉर ऑफ थिंग्स टू डू बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता so we are going to start with sample paper 1 now you already know that our beloved channi ma'am she has already completed previous year questions she has also completed ncert solution and now it is time for sample papers so i know we all are missing her but the thing is that she has set the base for us right आपका बेस बहुत सॉलिड तरीके से तैयार हो चुका है अब हमें तैयारी किस चीज की करनी है प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस अगर करोगे तो फिर तो आपको कोई अच्छे मार्क्स लाने से रोक ही नहीं सकता सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल इंस्ट्रक्शन थ्री आवर्स का आपका पेपर रहेगा फिफ्टीन मिनट्स आपको पेपर को यू विल गेट टू गो थ्रू द पेपर एंड देन द पेपर हैज थ्री सेक्शंस सेक्शन ए इज रीडिंग स्किल्स जहाँ पे आपके पास रहेगा

Once stormy night many years ago an elderly man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia now how do we have to understand a passage kyunki passage itna bada hota hai bahut baar aisa hota hai apan jab tak second or third paragraph mein jaate hain first paragraph में क्या हुआ था भूल जाते हैं And then जब हम questions में जाते हैं then again भी forget कि भैया था क्या या फिर ये ढूंढना कैसे तो देखो तुम्हें करना क्या है किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है यहाँ वो बोल रहा है वंस चौमी नाइट मेनी ईयर्स गो एन एल्डरली मैन एंड हिज वाइफ एंटर द लॉबी ऑफ अ स्मॉल होटल इन फिलाडेल्फिया एन एल्डरली मैन एंड हिज वाइफ मतलब एक ओल्ड कपल जो था वो एक फ़िलाडेल्फिया के एक होटल में उन्होंने एंटर किया सो so, अब जैसे तुम्हें पता है कि हम बात हैं यहाँ पे फिलाडेल्फिया की इसको अंडरलाइन करके देख लो सो so दैट आने वाले टाइम में जब तुम्हें क्वेश्चन में मे बी सिटी का नाम पूछा जाए या तुमसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तुम्हें चीज़ हिट हो ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द रेन द कपल अप्रोच द फ्रंट डेस्क होपिंग टू गेट सम शेल्टर फॉर द नाइट सो ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द रेन मतलब इट वॉज रेनिंग सो जो कपल जो था वो फ्रंट डेस्क पे आया फ्रंट डेस्क का मतलब क्या होता है रिसेप्शन सो होटल का जो रिसेप्शन था वो वहां पे आया और उसने मतलब दे आस्ट फॉर समर मतलब उनको रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए थी कुड यू पॉसिबली गिव रूम दसबेंड आस्ट ओल्ड कपल में जो हसबेंड था उसने पूछा क्या आप हमें यहाँ एक रूम प्रोवाइड कर सकते हैं द कलर्क अ फ्रेंडली मैन विदिंग स्माइल लुकड एट द कपल एंड एक्सप्लेन दैट देर वर थ्री इन टाउन सो so, वो जो क्लर्क था वो बहुत फ्रेंडली था एमिएबल पर्सनालिटी थी और उसकी बहुत ही अच्छी सी स्माइल थी उसने क्या कहा उसने उस कपल की तरफ देखा उनको एक्सप्लेन किया कि टाउन में इस वक्त तीन कन्वेंशन चल रहे हैं ऑल ऑल ऑफ ऑफ रूम्स आर टेकन द क्लर्क सेट एक तीन कन्वेंशन चल रहे हैं मतलब जैसे तीन जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे सारे रूम्स जो हैं वो सोल्ड हो चुके हैं बट आई कॉन्ट सेंड अ नाइस कपल लाइक यू आउट इंटू द रेन एट वन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग लेकिन मैं आपके जैसे एक अच्छे कपल को रात के एक बजे सुबह के एक बजे मतलब देखो क्या होता है इन द मॉर्निंग क्यों बोला है बिकॉज बारह बजे के बाद हम मॉर्निंग कंसिडर करने लग जाते इवन इफ इट इज़ मिड नाइट लाइक मिड नाइट के बाद इट इज़ मॉर्निंग सो एक बजे सुबह मैं आप लोगों को रात मतलब ऐसे भटकने नहीं दे सकता वट यू पो है बी विलिंग टू स्लीप इन माई रूम क्या आप लोग मेरा रूम शेयर करना चाहेंगे इट्स नॉट एक्जैक्टली अ स्वीट बट इट विल बी गुड इनफ टू मेक यू फोक्स कम्फर्टेबल फॉर द नाइट मतलब वो एकदम इतना बड़ा कुछ स्वीट जैसा नहीं है इट्स नॉट स्वीट हाँ इट्स स्वीट स्वीट जैसे हम गुलाब जामुन स्वीट ना वैसा प्रोनाशिएशन है इसका सो so, एकदम स्वीट नहीं है मतलब इट्स नॉट अ लाविश रूम लेकिन आप लोग काफ़ी कम्फर्टेबल रहेंगे When the 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 couple couple declined, the young man pressed on. Don't worry about me. I'll sleep in the lobby. He told them. So the couple agreed. कपल ने मना किया कि नहीं नहीं तुम कहाँ पे सोगे अगर हम तुम्हारा रूम ले, ले लेंगे तो, तो उसने बोला डोंट वरी अबाउट मी मैं लॉबी में सो जाऊंगा और कपल ने हाँ बोल दिया As the elderly man पेड हज बिल्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट टू द क्लर्क यू आर द काइंड ऑफ मैनेजर हु शुड बी द बॉस ऑफ द बेस्ट होटल इन द यूनाइट स्टेट्स सो अब जब उन लोगों ने रात स्पेंड करी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो लोग पेमेंट कर रहे थे तो उसने क्या कहा उसने उस मैनेजर से कहा मतलब फ्रंट डेस्क पर जो पर्सन था दैट तो तुम उस तरीके के मैनेजर हो जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के बेस्ट होटल का बॉस होना चाहिए मे बी डे आई बिल्ड वन फॉर यू किसी दिन मैं तुम्हारे लिए एक होटल बनाऊंगा द क्लर्क लुक डेट क्लर्क ने उनकी तरफ देखा और एक स्माइल किया द एल्डरली कपल अग्रीड indeed क्लर्क वॉज finding एक्सेप्शनल who फाइंडिंग पीपल friendly एंड helpful इंट easy. एल्डरली कपल ने आपस में जब वो बात करते तो उन्होंने अग्री किया कि जो क्लर्क था ये सिर्फ फ्रेंडली भी नहीं था ये हेल्पफुल भी था और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो फ्रेंडली भी हो और हेल्पफुल भी हो टू ईर्स पास्ट द क्लर्क हैड ऑलमोस्ट फो गॉटन द इंसिडेंट वन ही रिसीव्ड अ लेटर एंड एन क्लोज राउंड ट्रिप टिकट टू न्यूयॉर्क फ्रॉम द ओल्ड मैन आस्किंग द यंग मैन टू पे देम अ विजिट दो साल बीत चुके थे वो जो क्लर्क था वो उस इंसिडेंट को भूल चुका था एक दिन अचानक से उसके पास एक लेटर आता है जिसमें न्यूयॉर्क की एक राउंड ट्रिप होती है मतलब राउंड ट्रिप का मतलब होता है राउंड ट्रिप टिकट आने जाने की टिकट रहती है उसमें जिसमें इट इज फ्रॉम द सेम ओल्ड मैन जिन्होंने कहा है उससे मिलने आने के लिए द ओल्ड मैन ग्रीटेड द क्लर्क इन न्यूयॉर्क एंड लेड हिम टू द कॉर्नर ऑफ फिफ्थ एवेन्यू एंड थर्टी फोर्थ स्ट्रीट अब वो गया वहाँ पे ओल्ड मैन ने उसे ग्रीट किया और कहाँ पे लेके गया न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू एंड थर्टी फोर्थ स्ट्रीट पे लेके गया सो so, अब ये तुम्हें ना इसको हाईलाइट अगर तुम कर लोगे तो क्या रहेगा यू वुड रिमेंबर एग्जैक्टली वेयर डिड दिस हैपन He then pointed to a great new building with turrets and watchtowers thrusting up into the sky. उसके बाद उन्होंने एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया जो अभी अभी जो है कंस्ट्रक्ट हुई थी एंड विच वॉज एब्सोल्यूटली लाइक टॉल एंड विथ वॉच टॉवर्स एक्सेट्रा दैट सेट द ओल्ड मैन इज द होटल आई हैव जस्ट बिल्ड फॉर यू टू मैनेज उन्होंने कहा वही वो होटल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है सो दैट यू कैन मैनेज द होटल यू मस्ट बी जोकिंग यंग मैन सेट यंग मैन ने कहा क्लर्क ने क्या कहा आप मजाक कर रहे हैं तो भरोसा दिलाता हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ उनके फेस पे एक जेन्यून स्माइल थी द ओल्ड मैन नेम वॉज विलियम वर्ल्ड ऑफ एस्टो एंड दैट स्पलेंडर स्ट्रक्चर वॉज द ओरिजिनल वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेजलिंग होटल अब विनोद नेम सो वो जो पर्सन था उसका नाम क्या था विलियम वर्ल्ड एस्टोर और वो जो बिल्डिंग उन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी वो जो होटल था उसका नाम था वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल जो पूरी दुनिया का लाइक वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में कंसिडर किया जाता है द यंग क्लर्क हु बिकेम इट्स फर्स्ट मैनेजर वॉज जॉर्ज सी बोल्ट और वो जो यंग मैन जो उस बड़े से होटल का पहला मैनेजर बना द नेम वॉज जॉर्ज सी बोल्ट

ज द स्मॉल होटल लोकेटेड ये जो छोटा सा होटल था ये कहा लोकेटेड था आंसर इज एप्स जिसमें बहुत बारिश हो रही थी किसने एंटर किया था एन ओल्ड मैन नो एन एल्डरली कपल यूज सिटिंग एट द फ्रंट डेस्क फ्रंट डेस्क पे कौन बैठा था एक बेलह में घुसे

हाउ मेनीय पैस वेन द क्लर्क लेटर कितने साल बीत चुके थे जब क्लर्क को फाइनलीस यूर राइट दैन उस ओल्ड मैन का नाम क्या था वी है उसके चेहरे पर जेन्यून का मतलब क्या होता है ऑनेस्ट फेक

बड़ा सा so dazzling? Dazzling मतलब दार्जिलिंग इज एकदम जो चका चौंध कर दे इसका ऑपोजिट क्या होगा ब्राइट नो ब्राइट मतलब तो लाइक like, एकदम चका चौद कर देने वाला ग्लूमी इज सैड फ्लैशी इज अगेन चका चौद एंड रेडियंट इज अगेन वेरी

एंड और साइंटिफ़िक एडवांसेस। सो यहाँ पे बेस्टर्ड मतलब जो दिया जाता है इन आ नंबर ऑफ़ कैटेगरीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजन कमिटीज स्वीडिश और नॉर्वेजन कमिटीज़ जो होती हैं इस आ, जो प्राइज़ है इसको देती हैं इन रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक कल्चरल एंड साइंटिफिक एडवांस तो अगर आपने अकेडमिकली आपने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है या कल्चरली एक्सेल किया है या साइंटिफिकली आपने बहुत एडवांसमेंट दिखाया है तो आपको नोबेल प्राइज मिलता है द विल ऑफ़ द स्वीडिश इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबल इस 1895. फाइव विल ऑफ़ द स्वीडिश इन्वेंटर मतलब जो स्वीडिश इन्वेंटर थे जिनका नाम था एल्फ्रेड नोबल जिसके बाद ये प्राइज का नाम रखा गया है नोबेल प्राइज़ इन्होंने इस प्राइज को 1895 में इस्टैब्लिश किया था सो so नाउ हम अंडरलाइन कर लेंगे इसको कौन करता है स्वीडिश और नॉर्वेजियन कमिटी करती है तो ये सब आप आपको अंडरलाइन कर लेना ठीक है द प्राइजेस इन केमिस्ट्री लिटरेचर पीस फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन व फर्स्ट अवॉर्डेड इन नाइनटीन नॉट वन तो सबसे पहले ये जो अवार्ड्स थे ये कौन सी फील्ड में अवार्ड किए गए थे सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस ठीक है नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वॉज इस्टेब्लिश बाई स्वीडन सेंट्रल बैंक इन सिक्सटी एट अब नोबेलियल प्राइज अंडर वन ये जो है कौन सी फील्ड में दिया गया था इकोनॉमिक साइंसिस में कब स्टेबलिश किया गया था नाइनटीन सिक्सटी एट में एंड हुईन सेंट्रल बैंक ओके जब आप इसको अंडरलाइन कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर के टाइम पे बहुत ईजी हो जाएगा नेक्स्ट इज The Nobel Prize itself was made of a mixture of gold and silver with 24 फोर or 4.8 gram gold coating. So अब आपको ये बताया है कि किस जो आपको प्राइज दिया जाता है इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना गोल्ड मिलाया हुआ है सो so, ये गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है जिसमें ट्वेंटी फोर कैरेट जो है फोर पॉइंट एट ग्राम गोल्ड की कोटिंग है

जिनको ये प्राइज मिला हुआ है जिसमें से हैं, हंड्रेड एंड हैं और ट्वेंटी थ्री so आप थ्री हटा देते हो तो उतने लोग हैं और बाकी आपको समझ में आ जाएगा कितने लोगों को डुप्लीकेट मतलब किया गया है ये अवॉर्ड आगे देखते हैं द प्राइजेस आर अवॉर्डेड इन स्टॉक होम स्वीडन एक्सेप्ट फॉर द पीस प्राइज़ विच इज़ अवार इन ऑसलो नॉर्वे ये जो प्राइजेस दिए जाते हैं डिफरेंट आर्ट की और लिटरेचर की फील्ड में ये कहाँ पे दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं लेकिन ये जो पीस का प्राइज़ है ये दिया जाता है ओसलो नॉर्वे में दिया जाता है द नोबल प्राइज इज वाइडली रिकॉर्डेड एज द मोस्ट प्रस्टिजियस अवार्ड अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मेडिसिन फिजिक्स केमिस्ट्री पीस एंड इकोनमिक्स नोबल प्राइज़ जो है साइंटिस्ट के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब ऑपरचुनिटी होती है प्लस एक बहुत ही बड़ा उनके लिए वो आ, एक गोल होता है सो so, ये मेजरली कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है लिटरेचर मेडिसिन फिज़िक्स केमिस्ट्री पीस एंड इकोनॉमिक्स The Royal, the Royal Swedish Academy of Sciences awards the Nobel Prize in Physics, the Nobel Prize in Chemistry, and the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. The Nobel Assembly at Karolinska Institute awards the Nobel Prize in Physiology or Medicine. The Swedish Academy grants the Nobel Prize in Literature, and the Nobel Peace Prize is awarded not by a Swedish organization but by the Norwegian Nobel Committee. यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह पूरा जो आपको दिया हुआ है सिर्फ ये बताया है कौन सा प्राइस कहाँ पे दिया जाता है कौन सी कंट्री उसको प्रोवाइड करती है सो दिस इज समथिंग इसको रटना नहीं है समझना नहीं है आपको बस समझ में आ गया अगर क्वेश्चन आता है तो जस्ट कम बैक टू दिस पैराग्राफ क्विकली चेक द आंसर एंड यूर सॉट सम ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया आर अब यहाँ पे आपको क्या बताया है इंडिया से जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है वो कौन कौन है वी हैव गॉट रबींद्रनाथ टगोर अमृत्या सेन सी वी रमन माधुर चौसा कैलाश सत्यार्थी एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट सो हेव वी आर डन सो दिस वॉज ऑल अबाउट नोबल प्राइज कैसे स्टार्ट हुआ कौन देता है किन किन फील्ड्स में देता है इंडिया में किसको मिला है सो यू हैव गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन ना वी आर गॉट

लिस्ट प्राइज विनर्स इंडिया इंडिया में किन किन लोगों को नोबल प्राइज मिला है उनका लिस्ट है नहीं इनमें तो सिर्फ कुछ ही बताए थे प्लेज द नोबल प्राइज एंड एल्फ्रेड नोबल नोबल प्राइज की तारीफ करो एल्फ्रेड नोबल की तारीफ करो ऐसा कुछ मकसद था इसका इन्फॉर्म द रीडर ऑफ हाउ टू विन द नोबल प्राइज रीडर को यह चीज इन्फॉर्म करना है कि किस तरीके से आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है नो इसका बस एक मतलब था द रीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इज प्राइज उसको उससे फेमिलराइज कराना सो आंसर वुड बी वन ए सेकेंड क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो द नोबेल वर विश बाई द स्वीडिश इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबल राइट A total of 870 people and 23 organizations have won the Nobel Prize, right? So अब इसमें ये आपको बताना है first right है, second wrong है, second right है, first wrong है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो so, option here is that one is false, second is true। यहाँ पे जो है Nobel Prizes सारे के सारे जो हैं वो Swedish inventor Alfred Nobel ने नहीं किए थे। So that is why first is false, second is true। Next question is in which year were the Nobel Prize established? कब establish हुआ था? so the answer is 1895. According to the passage, the Nobel Prize is इस पैसेज के हिसाब से जो नोबल प्राइज है इट इज़ अवार टाइस इन अयर साल में दो बार दिया जाता है awarded quadrennially मतलब चार साल में एक बार दिया जाता है awarded yearly साल में एक बार दिया जाता है या दो साल में एक बार दिया जाता है the answer is yearly ये हर साल दिया जाता है Which of the following awards was first awarded in 1968 1968 में पहला अवार्ड कौन सा दिया गया था it was nobel prize in economic sciences this passage suggests that only one nobel prize is awarded in norway norway में oslo norway में सिर्फ एक prize दिया जाता है वो कौन सा है it is the peace prize nobel peace prize

1901. 1901 से स्टार्ट हुआ था 2015 तक 870 पीपल ने किया था रिमेंबर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्टोड बेस्टोड का मतलब होता है ग्रांट करना देना इज अ कैटेगरी कैटेगरी का मतलब क्या होता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए दिया जा रहा है इसका मतलब होता है अ ग्रुप कि जैसे की जितने भी लोग हैं जिन्होंने लिटरेचर में कुछ किया है तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जा रहा है

तो लास्ट नाइट की बात हो रही है मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं लास्ट नाइट में गया था सो so यहाँ पे क्या बोलोगे आप सिंपली यू विल से आई वेंट टू अ केमिस्ट शॉप नेक्स्ट इज देयर डैश अ लॉट ऑफ रश वहां पे काफी भीड़ थी वहां काफी ज्यादा रश था तो so, यहाँ पे हम सिंपल एक सेंटेंस बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा देयर इज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी। there were नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे प्लूर की बात ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा देयर वॉज अ लॉर्ड ऑफ रश देन आई डैश इन अ कॉर्नर वेन एन ओल्ड मैन डैश मी तो आई डैश इन कॉर्नर मैं एक कॉर्नर में खड़ा था आई वॉज या फिर मैं एक कॉर्नर में वेट कर रहा था मैं एक कॉर्नर में वेट कर रहा था कर रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूस मतलब हो जाएगा या आएगा या वर आएगा और उसके साथ आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म अब यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है आई की बात हो रही है तो वर तो नहीं आएगा क्या आएगा आई वॉज वेटिंग आ जाएगा द आंसर वुड बी वन

क्या बोलेंगे हम वॉचेस सिंपल प्रेजेंट है ये तो हो नहीं सकता ही वॉच्ड मी उसने मुझे कुछ देर तक देखा ये भी हो सकता है हैड बीन वॉचिंग वो मुझे कुछ देर से देख रहा था मतलब कोई चीज जो थोड़ी देर पहले चालू हुई और अभी भी चल ही रही थी सो वुड बी ही हैड बीन वॉचिंग मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे चालू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हो रहा था कि वो मुझे काफी देर से देख रहा था उसके बाद वो मेरे पास आया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुकिंग एट हिम क्लोजली आई कुड रिकलेक्ट दैट ही डैश मी इंग्लिश इन स्कूल ईयर्स सो जब इन्होंने काफी गौर से देखा तब मैंने रियलाइज किया कि इन्होंने मुझे काफी टाइम पहले स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई थी सो ही डैश अब क्या होगा इंग्लिश तो पढ़ाई थी सो so ये क्या होगा ही टीचर्स मी सिंपल प्रेजेंट होगा नहीं वर्स टीचिंग में वो मुझे पढ़ा रहे थे नहीं हि हेड टॉट मी और ही वर्ड टीचिंग ही के साथ वर्ड तो आ नहीं सकता द आंसर इस उन्होंने मुझे पढ़ाया था मतलब जब मैंने उन्हें देखा तब मैंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले पढ़ाया था हम यहाँ पास्ट की पास्ट की बात कर रहे हैं विच मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस आंसर वुड बी ही हैड टॉट मी इंग्लिश ओके नाउ यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ओके okay? यहाँ पे हर जगह कुछ एरर्स हैं और हमें करेक्शन बताना है तो यहाँ पे एरर जो है वो भी हमें ही बताना है करेक्शन भी हमें ही बताना है मैंने यहाँ पे एरर लिख दिए हैं सुधीर हैड ऑलवेज वॉन्टिंग सुधीर हैड ऑलवेज वॉन्टिंग सुधीर हैड मतलब हम बात करें पास्ट परफेक्ट की और ऑलवेज वॉन्टिंग तो होगा नहीं तो यहाँ पर वॉन्टिंग की जगह क्या होगा सुधीर हैड ऑलवेज वॉन्टेड होगा क्यों क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सुधीर हैड ऑलवेज वांटेड सुधीर को हमेशा से क्या चाहिए थी बाइसिकल व्हेन ही इज गिफ्टेड वन ऑन लास्ट बर्थडे अब बोला है कि पिछले साल उसको जो गिफ्ट किया गया था था होगा ना सो so, इज क्यों आएगा सो so, यहाँ पे इज रॉन्ग है क्या जाएगा वेन ही वॉज गिफ्टेड उसे जब किया गया था ही वॉज थ्रिल ही वॉज थ्रिल मतलब वो अभी थ्रिल है अब वॉज यूज कर रहे हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करोगे ही वॉज थ्रिल क्यों होगा ही वॉज थ्रिल्ड आएगा क्या आएगा ही वॉज थ्रिल्ड आएगा राइट ही स्माइलिंग ही स्माइलिंग एंड जम्पिंग विथ जॉय मतलब यार ये तो बहुत ही खराब इंग्लिश हो गई ही स्माइलिंग एंड जम्पिंग विद जॉय नहीं आएगा ही स्माइल्ड एंड जम्प्ड विद जॉय उसने स्माइल किया था और वो खुशी से मतलब यू you नो know, छलांग मार रहा था सो so, क्या हो जाएगा इसका ही स्माइलिंग का हो जाएगा स्माइल जम्पिंग का हो जाएगा जम्प्ड देन ही थैंकिंग हिज पेरेंट्स अगेन जॉन्ग देन ही थैंक्ड हिज पेरेंट्स हु वॉज लुकिंग एट हिम

जब भी हम एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करते हैं तो हम सिंपली क्या बोल देंगे ही इज अ गुड प्लेयर ही इज अ गुड प्लेयर और ही इज अ marvelous प्लेयर और ही इज अ रियली गुड प्लेयर सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर नेक्स्ट इज everybody ड्रिंक्स वाटर हर कोई पानी पीता है ये एक आपका declarative सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको हमको interrogative में करना है

एडजेक्टिव्स में अब एडजेक्टिव्स में हमें डिग्री चेंज करनी है पॉजिटिव डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री यूज करनी है खुशी और यहाँ पे क्या यूज किया है सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री यूज करी गई है राइट खुशी इज द गर्ल इन क्लास जब हमको से पॉजिटिव में बनाना होता है तो हम क्या बोलते हैं कोई भी लड़की खुशी जितनी लंबी नहीं है सो so, हम इसे क्या बोलेंगे नो अदर गर्ल इन आर क्लास इज एज टॉल एज खुशी देखो आ गया आपका पॉजिटिव डिग्री मतलब फर्स्ट आ गया पॉजिटिव डिग्री क्या होती है क्या क्या हो 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 जाती 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 है 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 और तो जब मुझे superlative से positive degree में आना है, तब रिमेम्बर तो आप क्या बोलोगे नो no अदर से आप स्टार्ट कर सकते हो और एक कर सकते हो नो अदर गर्ल इज इन आर क्लास इज एज टॉल एज खुशी आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शी इज़ टू वीक टू वॉक अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं डिग्री का अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो अंडरस्टैंड दिस थिंग ट्रांसफॉर्मेशन पर मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियोज़ क्रिएट किया गए हैं मतलब चांदी मैम ने आपको डेफिनेटली पढ़ाया होगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो है पूरा ग्रामर पार्ट कवर किया हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप वीडियोस देखोगे तो उसमें जितने भी रूल्स हैं अलोंग विद एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं सो प्लीज डू चेक दैट आउट ओके सो शी इज टू वीक टू वॉक अब हमें यहाँ से टू हटाना है वी हैव टू रिमूव टू सो जब भी हम टू हटाते हैं तब हम यूज करते हैं सो so दैट क्या यूज करते हैं सो दैट शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक शीज सो वीक वो इतनी वीक है कि वो वॉक नहीं कर सकती अंडरस्ट रिमेंबर दिस थिंग टू हटाते हो तो सो दैट लगा देते हो नेक्स्ट इज राम इज एन ऑनेस्ट बॉय राम ऑनेस्ट है इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे सिंपली राम इज नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय राम जो है अगर मैं बोल रही हूँ राम इंटेलिजेंट है अब इसका नेगेटिव बनाना है तो राम इंटेलिजेंट नहीं है मत करना सेंटेंस चेंज कर रहे हो आप यहाँ पे इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बोलोगे राम जो है मूर्ख नहीं है राम इज नॉट डम मतलब राम इंटेलिजेंट है सो so, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय को ऑपोजिट हो जाएगा राम जो है डिसऑनेस्ट नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड दैट ठीक है एंटेन यूज होते हैं इसमें एडजेक्टिव के नेक्स्ट इज

जतिन आज डेविड इफ ही वुड देखो विल का क्या हो गया वुड इफ ही वुड कम विथ हिम टू वॉच अ फिल्म दैट नाइट टू नाइट का क्या हो जाएगा दैट नाइट हो जाएगा सो यहाँ पे आंसर क्या होगा इफ वुड इफ ही वुड कम विथ हिम टू वॉच अ फिल्म दैट नाइट ओके स्मॉल इन नेक्स्ट क्या है आगे देखते हैं डेविड ने क्या बोला आई वुड है बट आई नीड टू फिनिश माई इंग्लिश होमवर्क यार मैं चलता हूं लेकिन मुझे अपना इंग्लिश का होमवर्क खत्म करना है सो so यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेविड रिप्लाईड दैट ही वुड हैव बट बट आई का क्या हो जाएगा ही राइट नीड टू में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा मॉडल वर्ब है ही नीडेड टू फिनिश माई का क्या हो जाएगा हिज इंग्लिश होमवर्क तो ये क्या हो जाएगा ही नीडेड टू ही नीडेड टू फिनिश हिज इंग्लिश होमवर्क

क्या हो जाएगा रवी हैज गॉन की जगह क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ही हैड गॉन टू दिल्ली एंड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर सो ये क्या हो जाएगा ही हैड गॉन टू दिल्ली एंड वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज क्वालिटी ऑफ द मैंगोज सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है हम यहाँ पे मैंगोज तो बहुत सारे हैं लेकिन हम मैंगोज की बात नहीं कर रहे हैं हम किस की बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी और क्वालिटी जो होता है वो प्लूदल होता ही नहीं है सिंगुलर होता है है ना इसकी क्वालिटी अच्छी होती है या खराब है इसकी क्वालिटी अच्छी हैं दिस इज हाउ वी टॉक नहीं इसकी क्वालिटी खराब हैं नो वी डू नॉट टॉक लाइक दैट राइट सो द क्वालिटी वॉज नॉट गुड प्लूदल नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग डैश वन सोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन लेवल्स एन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस करने का एक जो ऑप्शन है वो क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अब आप ऑर्गेनिक फार्म फार्मिंग एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, है ना ये तो बहुत सारी जगह एक मेथड है ये सो so, इसके लिए भी आप प्लूरल यूज नहीं करोगे सिंगुलर यूज करोगे नेक्स्ट द न्यूज डैश टू गुड टू बी ट्रू मतलब जो न्यूज़ मिली ना वो सच होने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तब न्यूज़ जो है एस लगा हुआ है एस लगा हुआ देख के प्लियल नहीं करके आएंगे हम न्यूज़ जो होता है ये एक सिंगुलर वर्ड है तो हम ये बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं अरे यार ये खबर बहुत अच्छी है है ना आज मुझे बहुत सारी खबरें मिली हैं नहीं ये गलत है ये हम हिंदी में बोलते हैं आपको आई हैव गॉट अ लॉड ऑफ़ न्यूज़ बट न्यूज़ न्यूज़ ही रहता है न्यूजेस नहीं हो जाता वो सो so, यहाँ पे होगा द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू इधर द कैट और द जॉग डैश बीन हेयर या तो यहाँ कुत्ता आया था या तो बिल्ली आई थी अब दोनों में से कोई एक ही आया था मैंने क्या बोला कुत्ता आया था या बिल्ली आई थी दोनों में मैंने प्लूरल को लगाया ही नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज इधर द कैट और द डॉग हैज कम हेयर द शॉप विद हिज कॉन्टेंट्स डैश बर्न डाउन पूरी जो दुकान थी वो उसके सामान के साथ जल गई अब यहाँ पे देखो इसको याद रखना कि कभी भी यहाँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ मेरा सब्जेक्ट है द शॉप अब शॉप के बाद जब आप विथ लगा के बोलो विथ इट्स कस्टमर्स विथ इट्स ओनर विथ इट्स एंटायर सामान डजेंट मैटर हमारा सब्जेक्ट क्या है शॉप जब भी विथ के बाद कुछ भी लगते हो उसको आप देखो ही मत शॉप सिंगुलर है सिंगुलर आ जाएगा वॉज बर्न डाउन पुलिस डैश चेस्ड अवे द जॉबर्स पुलिस ने डाकुओं को चेज अवे कर दिया भगा दिया वहां से तो यहाँ पे पुलिस जो है मतलब एक आदमी की हम बात नहीं करें हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके बाद भी पुलिस मतलब हम एक आ, मतलब एक कमिटी एक तरीके से एक ग्रुप को ही हम उस तरीके से जो है एड्रेस करते हैं यहाँ पे भी आपके पास सिंगुलर आएगा पुलिस हैज चेस्ड अवे द जॉबर्स अगर इसकी जगह पुलिस मैन होता पुलिस मैन अगर होता तब अपन वर्ड लिखते ठीक है लेकिन यहाँ पे प्लीज मतलब सिर्फ एक सिंगुलर एंटिटी होता है इन द कंपनी द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर ऑलवेज डैश द एम्प्लॉयज कंपनी में जो चेयरमैन है और जो डायरेक्टर है अब इसके देखो दो तरीके हो सकते हैं राहुल जो कि चेयरमैन और डायरेक्टर है बहुत अच्छा आदमी है राहुल अब यहाँ पे जो चेयरमैन है और जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छे आदमी हैं यहाँ पे हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन अगर इसकी जगह होता कि इन द कंपनी मिस्टर मनीष जो कि डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं ही इज़ अ गुड मैन तब हम सिंगुलर यूज करते यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे प्लूजल यूज करेंगे ठीक है सो दीज आर आर आंसर्स आर क्लियर विद दिस यहाँ पे मैंने मेजरली आपने देखा होगा सब में सिंगुलर आया है क्यों क्योंकि ये सब एक्सेप्शन होते हैं सो गिव टू गिव यू अ गुड प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे सारे एक्सेप्शन ही यूज किए हैं अब आते हैं हम नेक्स्ट मिसिंग वर्ड में इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड इन ईच लाइन राइट द ओमिटेड वर्ड अलोंग विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इन द स्पेस प्रोवाइडेड तो जैसे मैंने बोला माई नेम करना क्या इसमें मैं बता रही हूँ माई नेम स्वाति अगर मैंने ऐसा बोला तो इसमें वॉट इज मिसिंग माई नेम इंग आपको करना क्या है ये लिखना है नेम और, और स्वाति लिखना है तो आप नेम यहाँ लिखोगे वर्ड बिफोर में स्वाति यहाँ लिखोगे और मिसिंग वर्ड में क्या लिखोगे विद स्टार्ट करें बायोडाइवर्सिटी इज अल जेनरल टर्म डैश डिस्क्राइब सो यहाँ पे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी एक जनरल टर्म है जो की डिस्क्राइब करता है यहाँ जो की इज मिसिंग राइट right, तो आप क्या बोलोगे यहां पे आ जाएगा टर्म यहां पे आ जाएगा डिस्क्राइब्स और यहां पे आ जाएगा दैट अंडरस्टूड नेक्स्ट डिस्क्राइब्स डाइवर्सिटी अमंग प्लांट एनिमल स्पीशीज अमंग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज तो यहां पे क्या आ जाएगा अमंग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ओके नेक्स्ट इज गिवन एनवायरमेंट और इको सिस्टम नेक्स्ट इको सिस्टम वेरी डेलीकेट इको सिस्टम वेरी डेलीकेट इको सिस्टम आर वेरी डेलीकेट तो यहां पर क्या लिख दोगे तुम इको सिस्टम आर वेरी डेलीकेट ओके थिंक अबाउट इट एज अ पजल इफ वन पीस स्लाइटली टू बिग इफ वन पीस इज स्लाइटली टू बिग

एंड द अल्टीमेट पिक्चर विल नॉट गेट कंप्लीटेड तो ये रहे हमारे आंसर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में अब आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपके पास डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा डायरी एंट्री आएगी और इसके अलावा जो है देखो यहाँ पे एक तो ये हो गया जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास डायरी एंट्री आ जाएगी और डायरी एंट्री के अलावा जो आपके पास क्वेश्चन है कि आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में भी आपको अलग अलग सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं कोई चार्ट दिया सकता है सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट सो आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें से आपके पास ऑप्शन रहेंगे दो टॉपिक्स हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में से कोई सही करना है एंड देन वी हैव डायरी एंट्री सो लेट स्टार्ट

सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर के साथ एक सेटिसफैक्ट्री रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हो पाता इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्लस यू कैन इंक्लूड अलॉड ऑफ पॉइंट्स जो कि आपके दिमाग में है आपको क्या लिखना है एक आर्टिकल लिखना है सो लेट्स बिगिन सो स्टार्ट करते हैं हियर वी हैव दंसर ऑनलाइन शॉपिंग डोंट वी ऑल लव इट

दिमाग नहीं खपाना पड़ता है एक क्लिक में आपकी शॉपिंग हो जाती है हाउ एवर ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी डेंजरस इफ वन इज इंट केयरफुल लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग डेंजरस हो सकती है अगर आप केयरफुल नहीं हो वन कैन ओनली सी द पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बट नॉट टच ऑफ फील इट बिफोर वन डिसाइड्स टू बाय इट आप प्रोडक्ट को देख सकते हो लेकिन आपको उसका कपड़ा समझ में नहीं आता आपको उसका ओरिजिनल कलर समझ में नहीं, नहीं आता बिकॉज वेन यू क्लिक अ पिक्चर सो कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है बिकॉज ऑफ़ दिस देर आर चांस दैट फेक एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड सो इससे क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है जैसे आप मेकअप के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो या फिर आप कोई खाने का आइटम ऑर्डर कर रहे हो या इवन इफ़ यू आर बाइंग अ शर्ट और अ ट्राउजर आपको फेक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं या सब स्टैंडर्ड मतलब गिरी हुई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं Moreover, sharing your personal and bank details online when carrying out such transactions can be risky. Of course, आपको जबी भी पेमेंट करनी होती है, you have to first fill in a form, right? जहां आपको अपने डिटेल्स देने होते हैं, आपका ड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ शेयर करते हो, along with your bank details, which can be a lot risky अगर कोई उस चीज़ का मिसयूज़ करना चाहता है। A number of money frauds have been reported in online transactions. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में रोज जो है मनी फ्रॉड के रिपोर्ट आते हैं सिंस फेस टू फेस इंटरक्शन इज लैकिंग इन सच ट्रांजेक्शन कस्टमर रिलेशनशिप्स। अब इसमें एक और चीज क्या होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता जिसकी वजह से एक जो सेटिसफैक्ट्री कस्टमर रिलेशनशिप है वो बिल्डअप हो ही नहीं पाता सो अ वर्ड ऑफ कौशन इसीलिए चेतावनी बी केयरफुल वेल शॉपिंग ऑनलाइन एंड शॉप फ्राम ओनली स्टैब्लिश ऑनलाइन पोर्टल्स तो ऑनलाइन जब भी आप शॉप कर रहे हो बी वेरी केयरफुल सिर्फ जो स्टैब्लिश लाइक शॉपिंग पोर्टल्स हैं जैसे कि मिंत्रा एमेजोन या फिर नायका यू नो एक्सेट्रा इन्हीं से आप शॉप कीजिए अदरवाइज इट वुड वेस्ट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी अदरवाइज क्या होगा आपका टाइम भी बर्बाद होगा आपका पैसा भी बर्बाद होगा सो so, दिस वॉज इजी राइट यू कैन ईजीली राइट लाइक दिस आपके पास कितने टॉपिक्स मिलेंगे ना वो ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपके पास बहुत सारा लिखने के लिए स्टफ होगा अब या तो ये लिखना है या तो आपको ऑप्शन ये है राइट पैराग्राफ ऑन चाइल्ड लेबर अस अब आपको यहाँ पे कोई हिंट पॉइंट नहीं दिए हुए चाइल्ड लेबर एक क्या है कर्ज है एक अभिशाप है इसके बारे में लिखना है सो लेट्स सी देंसर Child labor is gross violation of human rights and it hampers the physical, mental, intellectual, um, emotional, moral and social development of of poor children who are forced to work, whereas they should actually be given the opportunities to learn and play. Child labour जो है human rights का एक बहुत बड़ा violation है मतलब जो हमारे rights हैं जो हमारे अधिकार हैं उसका बहुत बड़ा जो है मतलब उन्हें मिटाया जाता है violate किया जाता है। और ये एक बच्चे की फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मॉरल और सोशल डेवलपमेंट को हैम्पर करता है जहाँ एक बच्चे को आप फोर्स करते हो काम करने के लिए जबकि उसको क्या करना चाहिए उसको नई चीजें सीखनी चाहिए उसे खेलने कूदने के दिन में आप उससे काम करवाते हो दे वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स आरएम्प्लॉयड इन होटल्स वर्कशॉप्स सर्विस स्टेशंस कंस्ट्रक्शन साइट्स रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये घर में आपने देखा होगा डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब जो नौकर का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं रिक्शा पुल करते हैं होटल्स में वर्कशॉप में सर्विस स्टेशन पर आपने देखा होगा इन्हें काम करते हुए दे इवन वर्क इन पैलेस कंडीशन इन फैक्ट्रीज मैन्यूफेक्चरिंग हजार तो जैसे फटाखे की दुकान होती है या कुछ केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं ये बहुत ही पैलेल मतलब बहुत ही ज़्यादा इन लाइक like, uh, ऐसे इनकम्पैटिबल जो सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चे जो है उस चीज़ को मतलब बेर ही नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में वो उसे काम करते हैं कोयले की खान में काम करवाया जाता है इनसे इंडियन जुडिशियल करने के लिए काफी सारे कानून बनाए हुए हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्सॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑफ माइंडमेंट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से छोटा है उसको किसी भी माइन में फैक्ट्रीज में या जहाँ पे उसकी यू you नो know, उसकी हेल्थ को खतरा है ऐसे कहीं पे भी वो एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता हाउ एवर दीज आर येट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट इसका मतलब क्या है लेकिन आज भी ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना बाकी है द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज बचपन इज नोटवर्दी इन दिस रिगार्ड सो एन जी ओज जो हैं एक एन जी ओ है बचपन वो इस मामले में बहुत ही ज्यादा आगे रह के काम कर रहा है नोटवर्दी मतलब प्रशंसा लायक है वो चाइल्ड लेबर शुड भी कम्पलीटली अपलूटेड फ्राम द सोसाइटी चाइल्ड लेबर को हमारी सोसाइटी से पूरी तरह से उठखाड़ के फेंक देना चाहिए इट इज़ अ नेशनल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हमारी मतलब एक तरीके से क्या है ये एक नेशनल प्रॉब्लम है विच रिक्वायर्स इंस्टेंट रिड्रेसल रिड्रेसल का मतलब है कि इसको तुरंत ही इस पर देखा जाना चाहिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस पर काम किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ आर लाइक नेशन राइट हमारी हमारे राज्य का हमारी जो आ, पूरी जो कंट्री है उसका फ्यूचर कौन है आज के बच्चे वही कल को जाके यूथ बनेंगे वही कल को जाके जो है हमारे देश को आगे लेके जाएंगे सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बचपन को सुरक्षित करें ताकि हमारा जो यूथ है और हमारा जो हम मतलब हमारा जो नेशन है वो प्रोग्रेस कर पाए आप क्लियर विद दिस मैच अब आप इसमें सोचो कितने और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आप बता सकते हो कि किस तरीके से बच्चे जो होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है जिसकी वजह से वो एजुकेशन को अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से क्या रीजंस हो सकते हैं ये आप लिख सकते हो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप लिख सकते हो सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जस्ट रिमेंबर फ्लो सही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा रानी मर गए एक राजा था रानी जो थी वो भाग गई ऐसा नहीं लिख सकते ना अपन अपन को एक फ्लो में लिखना है अब क्लियर विद दिस नाउ इसमें भी आपको दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो सो यू आर आराध्या राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू एन ओल्ड एज होम एंड हाउ यू फेल्ट इन द कंपनी ऑफ दोस ओल्ड होमलेस पीपल तो मान लो कि आप आराध्या हो और अब आपको एक डायरी एंट्री लिखना है आप कहाँ का एक ओल्ड एज होम मतलब जो होता है ना जहाँ पे सिर्फ ओल्ड पीपल रहते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है जिनके पास घर नहीं होता है वो लोग वहां पे आके रहते हैं और वहां आपको उनकी कंपनी में कैसा लगा ये आपको बताना है सो लेट्स डायरी एंट्री पूरी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी सबसे पहले आप लिखोगे डे एंड कॉमा एंड डेट डेट का आपको पता है फॉर्मेट फोर्टींथ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू बेसिकली डेट आएगा मंथ आएगा मंथ कंप्लीट लिखना है आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है एंड ईयर फिर आप लिखोगे टाइम मतलब सिंस इट इज़ अ डायरी एंट्री आपका एक पर्सनलाइज ये एक जर्नल है तो आपको इसमें टाइम मैंशन करना है एंड देन यू विल राइट डोअर डायरी देर आर टाइम्स वेन यू कैन नेम योर डायरी एज वेल जैसे आई हैव नेम्ड माई डायरी सखी ओके बेसिकली इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड सो दैट्स इट सखी सो यू कैन नेम इट लाइक दैट बट क्योंकि सबको पता नहीं होगा आप किसको लिख रहे हो तो आप डायरी ही लिख के आना टुडे वॉज रियली वंडरफुल डे फॉर मी एज आई पेड अ विजिट टू एन ओल्ड एज होम आज का जो दिन था मेरा बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था क्योंकि आज मैं एक ओल्ड एज होम गई थी I always wanted to do something good for others. मैं हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी My father was aware of my enthusiasm and suggested that I visit an old age home. मेरे फादर को पता था कि मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना कितना ज़्यादा चाहती हूँ इसलिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हम जो हैं एक ओल्ड एज होम चलते हैं आई फिल्ड एक्सटैटिक बाई हिज ग्रेट आइडिया मैं बहुत खुश हुई उनका आइडिया सुन के सो टुडे आई विजिटेड एन ओल्ड एज होम विद माई फादर तो आज जो मैं एक ओल्ड एज होम गई थी अपने फादर के साथ एज वी एंटर द होम वी वॉर ग्रीटेड बाई अ लेडी एन हुज द केयर टेकर ऑफ द प्लेस जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पर लेडी ने ग्रीट किया वेलकम किया जिसका नाम था एन वो वहाँ की केयर टेकर थी

फ्राइडे था उस दिन और वो चाहते थे कि उस दिन उन लोगों को मूवी दिखाई जाती थी तो हम भी उन्हें ज्वाइन करें इट वॉज़ एन ओल्ड बॉलीवुड फिल्म बहुत ही पुरानी बॉलीवुड फिल्म थी वो वी इन्जॉयड अ लॉट वॉचिंग द फिल्म क्रैकिंग जोक्स हैविंग स्नैक्स शेयरिंग व्यूज़ एंड लाफिंग हमने बहुत इन्जॉय किया हम सब ने मूवी देखी हम लोग जोक्स क्रैक कर रहे थे हम खा रहे थे अपने जो है व्यूज शेयर कर रहे थे तो हमने बहुत मज़ा किया द ग्रैंड पार्स एंड ग्रैंड मार्ज लिविंग देयर गेव अस अ लॉर्ड ऑफ गुड विशेज जितने भी वहाँ पर दादीज एंड दादाज थे उन्होंने हमें बहुत सारी विशेज दी आई फील सो गुड दैट टीयर स्टार्टड रोलिंग डाउन माई चीज मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी आँखों से आंसू छलक पड़े इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ आराध्या वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था एंड देन इट एंडेड विद आराध्या नेक्स्ट हमें जो टॉपिक दिया है वो है टुडे यू विजिटेड योर एंसेस्ट्रल विलेज एंड वॉच द फार्मर्स हाउ विस्टिंग वीट क्रॉप इन द फील्ड्स एंड वुमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम वेल्स आज आप जो है अपने पूरे जो है पुश्तैनी गांव में गए थे मतलब बहुत पुराने आपके जहाँ पे दादा पर दादा रहा करते थे और आपने देखा वहाँ पे किस तरीके जो फार, फार्मर्स हैं वो जो है फसल को काट रहे हैं जो वहाँ की फ़ीमेल्स हैं किस तरीके से पानी भर रही है कुएं से राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट द विलेज अब आपको बताना है कि विलेज में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सी अगर आप कभी विलेज नहीं भी गए हो तो भी इट्स तो ओके आप इमेजिन करो वहाँ एक ऐसी लाइफ जहाँ लोग पूरे टाइम मोबाइल में नहीं लगे हुए हैं जहाँ शाम होने के बाद लोग आपस में बैठते हैं जहाँ पे चूल्हे में खाना पक रहा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है खेत है स्ट्रीम्स हैं रिवर है और किस तरीके से वहाँ पे आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग जोर ए मॉर्न यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज किस तरीके से आप वहाँ पे आउटडोर गेम्स खेल रहे हो बहुत पुराने पुराने जो आप अब अप, अपनी सिटी लाइफ में खेल ही नहीं पाते सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट आप खेत में जाना आपको कितना अच्छा लग रहा है इट्स लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टूगेदर सो लेट्स स्टार्ट सो स्टार्टेड विथ डे डेट टाइम एंड देन डियर डायरी टुडे वाज अ फन डे आज का दिन बहुत मज़ेदार था डैड डिसाइडेड टू टेक टू विजिट हिज पैटर्नल आंट हु लिव्स इन आर एनसेस्ट्रल विलेज जो है पापा ने डिसाइड किया कि वो हमको लेके जाएंगे उनकी पैटर्नल आंट पैटर्नल आंट का मतलब होता है उनकी बुआ ठीक है जो कि गाँव में रहती है एट फर्स्ट बोथ माई ब्रदर एंड आई वॉज रिलेक्टेड टू गो पहले तो मेरे दोनों भाई और मैं काफ़ी ज़्यादा reluctant का मतलब क्या होता है हम नहीं चाहते थे जाना एंड स्पेंड द डे इन अ विलेज विद पीपल वी हैड नेवर मेट मेट तो हम नहीं चाहते थे कि है ना reluctant मतलब हम बहुत बेमन से थे कि हमें नहीं जाना हम तो वहाँ किसी को जानते भी नहीं है वॉट वुड वी डू द इंटायर डे बट एज सोन एज वी लेफ्ट दिटी एंड एंटर द कंट्री साइड आई वॉज थ्रिल्ड टू सी द ग्रीन एक्सपांस ऑफ फील्ड लेकिन जैसे हम सिटी लाइफ से निकले और हमने कंट्री साइड देखा विलेज का एरिया चालू हुआ तो मैं एकदम खुश हो गई थी ये देख के कि यू नो हर जगह कितना ग्रीनरी है I tried to identify the vegetables and other crops that were growing. तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि ये ये वाला क्रॉप है ये ये वाली वेजिटेबल है जो ग्रो हो रही है I could see the farmers harvesting the wheat crop. मैंने देखा जो फार्मर्स थे वो गेहूँ की फसल को काट रहे थे When we reached the village, we saw women drawing out water from the wells. जब हम विलेज पहुंचे तो हमने देखा वहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो कुएँ से पानी निकाल रही थी आर रिलेटिव

देन यू विल गेट फाइव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर जो कि फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स में करने रहेंगे आपको एंड दिस विल बी फ्रॉम बी हाइव एंड देन यू विल गेट थ्री मोर क्वेश्चन जिसमें से आपको टू क्वेश्चन करने रहेंगे फोर ठीक है जिसमें से आपको थ्री क्वेश्चन करने रहेंगे एंड देट वुड बी फ्रॉम यूर सप्लीमेंट्री रीडर फाइनली यू विल गेट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन दिए रहेंगे आपकी दोनों बुक्स में से जिसमें से आपको एक एक करना रहेगा अब एक बार दस स्टार्ट करें चलिए So, we have an extract based question. Read the extract given below and answer the questions that follow. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires he smiled at maggie and gave her an apple then took the teacher apart maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again but he knew how all right and after an hour or so there it was again now we know that this mechanical teacher was a robot and here we are discussing ki kis se county inspector hai. now here county inspector is what the one who would take care of the robot तो ये तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं द एक्सट्रैक्ट यू नो लेट स्टार्ट विद द विदेश वॉज टॉकिंग अबाउट हर वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट ऑफ कौन से सब्जेक्ट में उसको इश्यू आ रहा था द आंसर इज ज्योग्राफी वेरी गुड द मैकेनिकल टीचर रिफर्स टू किस टीचर की बात कर रहे हैं हम एक मशीन है एक मोबाइल है स्कूल टीचर है या पर्सन इट इज अ मशीन इट्स अ रोबोट राइट नेक्स्ट इज मार्गीज़ मादर कॉल फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाया था उन्होंने उस काउंटी इंस्पेक्टर को ताकि वो पनिश करें मार्गी को मार्गी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए चेक पोर्ट वॉन्ग विद द मशीन मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज़ चेक करने के लिए या सॉल्व हर डिफिकल्टीज इन जियोग्राफी टेस्ट या वो आएंगे और उसके जियोग्राफी में जो भी इश्यू आ रहा है वो सॉल्व करेंगे नो द आंसर इज वो मशीन को चेक करने आए थे राइट सो सी वुड बी देंसर when county inspector opened the machine maggie wished that he would be unable to तो maggie इतनी परेशान हो चुकी थी ज्योग्राफी के टेस्ट दे दे के कि उसने सोचा कि जब वो आए थे काउंटी इंस्पेक्टर कि ये जो को सही करने के लिए उसको लगा ये हो ही नहीं सही सो ही वाज अनेबल टू रिपेयर इट बैक नाउ चूज द सिनोनिम ऑफ शेकन मैं शेकन का यहाँ पे क्या हो जाएगा जिगल करना काम स्टिल और स्टेबल स्टेबल मतलब रिलैक्स्ड

एल्बर्ट आइंस्टाइन की मॉम को लगा ये तो कुछ बहुत ही अजीब है टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज उनको लगता था इसका सर तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा है एट द एज ऑफ टू एंड हाफ आइंस्टाइन स्टिल वॉज इन टॉकिंग ढाई साल की उम्र में भी आइंस्टाइन ने बात करना स्टार्ट नहीं किया वेन ही फाइनली डेड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी थिंग ट्वाइस और जब वापस उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो वह हर बात को दो बार कहते थे आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिस्स प्ले मेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग उसे समझ ही नहीं आता था बाकी लोगों से क्या बात करनी है कैसे बात करनी है तो वो उस सब उसको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले ही खेला करते थे He especially loved mechanical toys unko mechanical toys se tha. looking at his newborn sister maja he is said to have said fine but where are her wheels toh jab unki jo choti behan paida hui to wheels hai. so now the first question that we have according to this extract there was no indication that one day einstein would become a what a scientist a great scientist एल्बर्ट्स मदर था वॉज अ फ्री बिकॉज ही बिहेवड क्यों लगा था वो फ्रीक है बिकॉज ही बिहेव्ड अब नॉर्मली ही अटर्ड एवरी थिंग ट्वाइस वो हर चीज़ को दो बार बोलते थे इसका मतलब क्या हुआ कि ही वॉन्टेड टू टॉक मोर एंड मोर वो ज़्यादा बात करना चाहते थे ही यूज़ टू रिपीट द वर्ड्स वो वर्ड्स को रिपीट करते थे ही यूज़ टू स्ट्रेस ट ही टॉक वो जो बोलते थे उसको ज्यादा स्ट्रेस करके बोलते थे और या वो ठीक से बात नहीं कर पाते थे दी आंसर इज की वो वर्ड्स को रिपीट करते थे आइंस्टाइन प्ले मेट्स कॉल्ड यूज टू कॉल हैम ब्रदर बोरिंग बिकॉज ही रिमेंड अप टू डैश ऑल द टाइम क्यों बुलाते थे वो उसको ब्रदर बोरिंग क्योंकि वो पूरे टाइम ही अप टू हिमसेल्फ मतलब वो खुद में ही खोया रहता था चूज दम ऑफ फ्रीक फ्रीक का सीनेम क्या हो जाएगा अब नॉर्मल

सो द रोड नॉट टेकन में से हमने ये एक छोटा सा एक्सर्प लिया हुआ है इस पे बीस क्वेश्चन देख लेते हैं आई इन दिफर्स को रेफर कर रहा है ये जो बोल रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेक्स्ट इज देर वॉज अ डायवर्शन ऑफ टू डिट रोड इन अ कहा था टू डिट रोड इन अ येलो वुड मतलब जंगल की बात हो रही है वो विच पाथ वॉज सुटेबल फॉर हिम वो ये सोच रहे थे कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है द टू रोड डिफरेंट फ्राम वन अनदर दोनों रोड्स आपस में अलग दिखाई दे रहे थे वो वहां से खड़े होकर रोड्स का मतलब कितनी अलग अलग हैं ये देख रहे थे उनका कर्वेचर देख रहे थे या कितनी ट्रीज से वो कवर्ड है देख रहे थे सो so आंसर वो ये देख रहे थे कि कौन सी रोड उन, रोड उनके लिए सुटेबल है वाइल्ड वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट द पोइट रीच्ड अ डैश कवर्ड विद अंडर ग्रोथ अब यहाँ पे क्या बोला है वाइल्ड वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जब वो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे पोएट रीज वो एक ऐसी जगह पहुंच गए विच वॉज कवर्ड सो अ रोड विच वॉज कवर्ड चूज द विम ऑफ बेंट बेंट का सिनेम क्या हो जाएगा स्ट्रेट नहीं बेंट मतलब घुमाता स्ट्रेट मतलब सीधा टर्नड या ब्रोकन टूटा हुआ राइट right मतलब सीधा सो द आंसर इज टर्नड अब आते हैं हम एक्सट्रैक्ट की तरफ एवरी थिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट And a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the pottle or patter of the rain upon the roof. अब ये तो हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। बहुत ही beautiful poem है। इसपे questions देख लेते हैं। Every tinkle on the shingles here refers to every tinkle on the shingles किसके बारे में बात कर रही है यहाँ पे? Heartbeat एवरी ड्रीम इन माइंड एवरी रेन ड्रॉफ रूफ टॉप या एवरी इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड दिख री सिंपल इट इज रूफ टॉप पे जो हर बूंद गिर रही है उसके बारे में बात हो रही है द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप क्रिएट्स डिफरेंट डैश इन पोएट्स माइंड ये जो छत पे जो बारिश हो रही है उसकी जो आवाज आ रही है ये पोएट के माइंड में डिफरेंट ड्रीम्स लेके आ रहा है बिजी बींग Here means busy being का मतलब क्या होता है human beings. As the poet listens to the patter of the rain upon the roof dash comes as dreams in his mind. तो जैसे ही poet जो है छत पे हो रही बारिश की आवाज सुन रहा है तो कौन सी चीज उसके दिमाग में सपनों की तरह आ रही है past memories पुरानी यादें. Which part of speech is patter? Patter ये जो pitter patter बोलते हैं तो patter क्या? Is it a noun, adverb, adjective या the conjunction? So it is a noun. नेक्स्ट है हमारे पास फाइव क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बी हाइव से हैं ये कोई फोर क्वेश्चन करने हैं अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स में हाउ डिड कीजिया रिएक्ट टू हर बीटिंग बीटिंग बाय हर फादर कीजिया को जब उसके फादर ने बहुत बुरी तरीके से मारा तो उसने उस पर कैसे रिएक्ट किया कीजिया क्लाइड लॉर्ड एंड बिकेम मोर रिसेंटफुल टू हर फादर ऑफ अ फादर कीजिया बहुत रोई और अपने पापा से और नफरत करने लग गई

When did the doctor felt the presence of God? Doctor को God का presence कब feel हुआ था So the doctor felt the presence of God when the snake was coiled on doctor's arm. जब वो snake जो था वो पूरा उसके arm में लपेट गया था with its hood spread out और उसका जो उसने अपना fun था वो एकदम spread कर लिया था and its head at hardly थ्री फोर inches from his face. और उसका जो hood था वो सिर्फ तीन से चार inch दूर था उसके face से डॉक्टर like. था लगा शायद उसने ऐसा कुछ कह दिया होगा जो भगवान को पसंद नहीं आया और भगवान उसको उसके सिंस के लिए उसकी बुराइयों के लिए पनिश कर रहे हैं वट काइंड ऑफ लाइफ डिड यंग कलाम लीड यंग कलाम जो थे उनकी जो यंग लाइफ थी मतलब जो बचपन में वो किस तरीके की लाइफ जी रहे थे अब्दुल कलाम्स फ़ादर वॉज अ वाइस एंड लार्ज हार्टेड पर्सन अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो बहुत ही समझदार और बहुत ही बड़े दिल के इंसान थे ही looked आफ्टर द फैमिली वेल उन्हों वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का ख्याल रखते थे He provided all necessities like food, medicine, and clothes to his family। वो अपनी फैमिली को हर तरीके की नेसेसिटी प्रोवाइड करते थे जैसे क्या हुआ फूड हुआ मेडिसिन हुआ कपड़े हुए बट डिस्करेज द यूज ऑफ इन असेंशियल कम्फर्ट्स लेकिन वो बोलते थे कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वैसे कम्फर्ट्स की और लग्जरीज की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कि आपके पास सोने के लिए बेड है दैट्स ओके बट नहीं हमको ये वाला नहीं हमको तो रोटेटिंग बेड चाहिए या फिर आपके पास लाइट है दैट इज ओके नहीं हमको ये नहीं हमको अलग तरीके की लाइट्स चाहिए यू हैव गॉट फैन नो आई वॉन्ट एयर कंडीशनर तो वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं करते थे सो अब्दुल कलाम हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बट बोथ मटेरियली एंड मटेरियली इसको हम मटेरियलिस्टिकली कर देते हैं ठीक है मटेरियली की जगह मटेरियलिस्टिकली एंड इमोशनली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट मोटिवेटेड संतोष फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग संतोष को किस चीज ने मोटिवेट किया दैट शी टर्नड इन टू अटेन क्लाइंबर सो द आंसर इज़ वन संतोष वॉज अ स्टूडेंट ऑफ महारानी कॉलेज जयपुर शी लिव्ड इन कस्तूरबा हॉस्टल तो जब संतोष जो थी जयपुर के महारानी कॉलेज की स्टूडेंट थी तब वहाँ पर वो एक हॉस्टल में रहती थी दिस हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स ये जो हॉस्टल था ये अरावली हिल्स की तरफ फेस करता था शी सो विलेज इज गोइंग अप दिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर द वाइल्ड वो देखती थी किस तरीके से गाँव वाले एकदम पहाड़ चढ़ते थे और अचानक से गायब हो जाते थे उट एक बार उसने सोचा मुझे भी ऊपर जाके देखना है क्या है शी मेट समियर्स वहाँ पे जाके वो कुछ मतलब माउंटेनियर्स uh, जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनसे मिली वेन शी आस्ट इफ शी कुम दे आंसर्ड इन दी अफर्मेटिव जब उसने पूछा क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ उन सब ने हाँ कह दिया दिस मोटिवेटेड हाउ टू टेक टू क्लाइंबिंग इस वजह से वो मोटिवेट हुई एंड देन शी बिकेम अन क्लाइंबर वट स्टोरी डिट जराड सॉरी गैरॉड कुक अपू मिसलीड द इंट्रूडर गैराड ने क्या स्टोरी बनाई इंट्रूडर को उल्लू बनाने के लिए मिसलीड करने के लिए सो ह्योर जराड पुलिस कैन रीच हिस्स कॉटेज एनी टाइम सो यहाँ पे जिला ने क्या बोला दैट वो खुद जो है पुलिस से भागा हुआ है वो खुद जो है एक क्रूक है मतलब वो एक uh, चोर है और वो पुलिस से भागा हुआ है उसका एक साथी जो है वो पुलिस उसको पकड़ चुकी है और अब पुलिस कभी भी उसके घर तक पहुंच सकती है वन ऑफ हिम वन ऑफ हिज मैन इज ऑन द वॉच एंड ही विल इन्फॉर्म हिम व्हेन ही साइड्स एनी कॉप तो उसका एक आदमी जो है वो ऑलरेडी जो है नजर लगाए बैठा हुआ है मतलब चौकीदारी कर रहा है जैसे ही उसने किसी पुलिस वाले को देखा तो वो बता देगा ही टेल्स हिम दैट ही इज लिविंग द कॉटेज बिकॉज ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर वो बताता है कि वो कॉटेज कौ, से क्यों जा रहा है क्योंकि पे खतरा है। अब अब हम आते हैं हैं हो गए। अब आपके पास जिसमें से आपको कोई दो question करने ये आपने सप्लीमेंट्री रीडर के ठीक है मूड ऑफ चाइल्ड फील्ड बच्चा जब मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेत से गुजर रहा था तब उसका कैसा मूड था वेन द चाइल्ड पास थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स ही वॉज इन अ वेरी हैप्पी मूड वो बहुत ही खुश मूड में था ही सो फ्लावर्स एंड ड्रैगन फ्लाइज उसने फूल देखे उसने ड्रैगन फ्लाइज देखे ही सो इंसेक्ट्स एंड डवस उसने इंसेक्ट्स देखे अलग अलग डव्स देखे बर्ड्स ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ही ट्राई टू कैच द डव बट इट फ्लू अवे उसने डव को कैच करने के लिए ट्राई किया लेकिन वो उड़ के चली गई What are the guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? Guru के जो wisdom वाले words थे ज्ञान के जो शब्द थे वो कौन से थे और जो उनके disciple थे उसको वो कब याद आते हैं the guru, on realizing that this is a kingdom of fools, said to his disciple, "This is no place for us. Let's go." गुरु ने जैसे रियलाइज़ किया कि ये जो जगह है ये तो मूर्खों की बस्ती है तो उन्होंने क्या बोला ये हमारे लिए नहीं है हम यहाँ से चलते हैं दे आर ऑल फूल्स

और उसको जो है एंड कुड बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक और उसको जो है दॉपरली मारा जा सकता है इसलिए उसको मार देते हैं कॉल हिज गॉडसन सो यहाँ पे क्यों उसने उस लश्कोफ को अपना गॉडसन बोला सो सर जी कॉल लश्फ हिज गॉडसन इन अ सेंस दैट ही हैड पुट हिम ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ उसने उसे गॉडसन इसलिए कहा क्योंकि उसने जिंदगी के सही दिशा में उसको वो लेके गया था ही टोल्ड हिम दैट बिफोर ही मेट हिम ही हैड बीन टेलिंग लाइज आफ्टर लाइज एर नॉट वर्किंग उसने बताया कि जब वो उससे मिला था उसके पहले वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा था और किसी तरीके का काम नहीं कर रहा था ही रिब्यूग्ड हिम एंड थ्रेटिंग टू कॉल द पुलिस उसने उसको रिब्यूक किया और धमकी दी कि वो पुलिस को बुला लेगा लशकौफ देन प्रोमिस टू वर्क तब लशकौफ ने प्रॉमिस किया कि अब वो काम करेगा सर्जी रेगुलरली गेव हिम वर्क एंड ऑल्सो सेंट हिम टू हिज फ्रेंड टू डू सम कॉपिंग वर्क वो उससे काफ़ी काम कराता था और अपने दोस्त के पास भी भेजता था ताकि वो कॉपी करने का काम करे लशकौफ हिम एडमिट्स दैट सर्जीज प्रोटेक्शन हैल्प हिम टू कम आउट ऑफ अ पिट सो so, जो लश्फ है वो खुद ये मानता है कि सर्जी ने जो उसको प्रोटेक्शन दिया उसकी वजह से वो एक कीचड़ से एक दलदल से बाहर आ पाया वरना वो कभी आ नहीं पाता ओके okay? अब हमारा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं अब हम लास्ट पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने हैं आपके पास टू टू के ऑप्शन रहेंगे सप्लीमेंट्री रीडर से दो क्वेश्चन आएंगे एक करना है और आपके बी हाइव से दो क्वेश्चन आएंगे आपको एक करना है सो शेल बी स्टार्ट चलिए काठमांडू इज विविड मर्सनरी एंड रिलीजियस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सो हम स्टार्ट करते हैं द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज विविड मर्सनरी एंड रिलीजियस इट इज़ विविड एंड रिलीजियस ये विविड और रिलीजियस क्यों है बिकॉज एवरी वे वन कैन सी बिग एंड स्मॉल श्राइन्स क्योंकि हर जगह लोग जो है जैसे मंदिर के श्राइन्स जो होते हैं आप वो देख सकते हो बड़े और छोटे इवन इन द नैरोस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट वन कैन फाइंड फ्लावर और डोंट डी टीज सो एकदम पतली पतली और बहुत ही ज़्यादा बिजी स्ट्रीट जो होगी वहाँ पर भी आप जो हो एकदम फ्लावर्स से एकदम सजे हुए भगवान को देख सकते हो इट इज़ मोस्टनरी बिकॉज इट्स स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ शॉप्स

मतलब जो ये फ्रूट बेचने वाले फ्लूट बेचने वाले हॉकर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ मतलब बहुत ही बिजी स्ट्रीट है वहाँ कुछ, कुछ ना कुछ बिकता ही रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मिरर इन द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर ये जो स्टोरी है स्नेक एंड द मिरर इसमें मिरर का क्या रोल है द मिररल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी द स्नैक एंड द मिर इट अट्रैक्ट बोथ द डॉक्टर एंड द स्नैक क्योंकि वो जो मिररल है वो डॉक्टर को भी अट्रैक्ट करता है स्नैक को भी अट्रैक्ट करता है द डॉक्टर लुक्स इन टू द मिरो ही एडमायर्स हिमसेल्फ

वेन द स्नैक लुक्स इन टू द मिरव इट्स इट्स रिफ्लेक्शन जब स्नैक अपना अपने आप को देखता है तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है इट लीव द डॉक्टर एंड सेट्स ऑन द टेबल लुकिंग इन द मिर तो वो डॉक्टर को छोड़ देता है टेबल पर लिख टेबल पर बैठ जाता है अपने आप को मिरर में देखने लगता है

केम टू हिस्स हाउस एंड वॉज पेड हाफ़ अल चोपिंग वुड तो उसने उसे हाफ जोबल पैसा दिया सिर्फ लकड़ी काटने के लिए सर जी आज टू कम बैक ऑन द फर्स्ट ऑफ़ द नेक्स्ट मंथ फॉर मोल वर्क उसने बोला कि अगले अगले महीने भी एक तारीख को आना मैं तुम्हें और काम दूंगा लश्कॉफ केम बैक ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड वॉज अगेन पेड हाफ अब फॉर चॉपिंग वुड फिर वो आया फिर उसने उसको पैसा दिया

देखा कि वो सोबर है उसने किसी भी तरीके से कुछ नहीं लिया हुआ है फिर उसने एक लेटर दिया जो कि उसके फ्रेंड को लिखा था कि इसको तुम कुछ कॉपिंग वर्क दे दो आफ्टर दैट सर्ची मेट लश्फ आफ्टर टू ईयर्स बाई विच टाइम लश्कॉफ है नोटरी उसके बाद वो उससे दो साल मिला तब तक लश्कॉफ एक नोटरी बन चुका था सो इट कैन बी सेट दैट सर्जरी टफुली तो यह कहा जा सकता है कि उसकी मदद से ही उसने एक जो है इज्जत भरी जिंदगी बिता स्टार्ट कियाट एंड द नरेटर वो वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर हाउ हेड दिस बीन शोन इन दी वे वॉज द कैट आफ्टर द फायर ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ सो ये तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इसका आंसर देख लेते हैं हम द कैट एंड द नारिटर वो अ वेरी फॉन्ड ऑफ यूचर वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे इन द अर्ली मॉर्निंग ही वुड डिस्टर्ब हाउ वाइल गेटिंग आउट ऑफ द बेट सो इनिशियली मॉर्निंग में वो पहले उसको डिस्टर्ब करता था ताकि वो उठे शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर हिम क्लाइंब अप हिज रोब एंड क्रॉल इन टू हिज पॉकेट पॉकेट टू फॉल अ स्लीप तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती थी उसके रोब में चली जाती थी और उसके बाद जो है उसकी पॉकेट में जा कर सो जाती थी His his तो उडली साउंड निकालती थी ओकेशनली स्वेटेड एट हज पेन फॉर द स्ट्रोक ऑफ एंटरटेनमेंट बट दरेटर नेवर गॉट एंग्री विद इट तो वो कभी कभी उसके पेन को झटका देती थी ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए लेकिन नरेटर कभी उससे गुस्सा नहीं हुआ उस गॉड फायर दैट वॉज सो फ्राइट इन दैट शी रैन ओवर माइल अवे जब उसके घर में आग लग गई तो वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो एक माइल दूर पर चली गई अ काइंड लेडी टू घर इन एक बहुत काइंड लेडी ने उसको रखा अपने पास हॉलर है उसके कॉलर में नरेटर का फोन नंबर लिखा था बट हिज फोन्स वर डिस्ट्रॉयड एंड डिसनेक्टेड लेकिन उसके जो फोन्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए डिस्कनेक्ट हो चुके थे द काइंड लेडी हु टुक हर इन वर्क हार्ड टू फाइंड आउट द कैट्स ओनर उसने बहुत कोशिश की उनके ओनर को ढूंढने की द नरेटर ऑल्सो रेगुलरली विजिटेड हिज हाउस इन द होप ऑफ गेटिंग हिज कैट बैक नरेटर भी बार बार अपने जले हुए मकान की तरफ जाता था ये सोच के कि शायद कभी उसको उसकी कैट वहाँ मिल जाएगी

आर वी डन येस वी आर डन विद सैम्पल पेपर वन आई होप यू हैव अंडरस्टंडल द क्वेश्चन लिटरेचर पार्ट बहुत ईजी था ग्रामर पार्ट वॉज ऑल्सो ईजी इनफैक्ट दर वॉज नथिंग विच वॉज डिफिकल्ट दिस वॉज कैसे बोलना चाहिए इसको नॉट डिफिकल्ट नॉट वेरी इजी दिस वॉज अ मीडियम वाला लेवल ठीक है इंटरमीडिएट लेवल था इसका नाउ दिस इज जस्ट द फर्स्ट सैम्पल पेपर अभी मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट पेपर्स भी दूँगी इससे ईजी पेपर्स भी दूंगी सो स्टे टून्ड बिकॉज वी हैव टू गो लाइक नाइन मोर सैम्पल्स टू गो सो आई वी रेडी फॉर दैट कोई भी डाउट होता है राइट इट इन द कमेंट सेक्शन आईम गोइंग टू सी यू वेरी सुन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड डो नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू अंडरस्टेंड दिस वीडियो टेक केयर बाय